और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव होने जा रहे हैं। बस्तर सीट पर प्रचार अभियान तेज है। पीएम मोदी की सभा के जरिए भाजपा और अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन उससे पहले झीरम की घटना को लेकर बवाल फिर तेज हो गया है। आखिर नितिन नबीन को क्यों याद आया कवासी लखमा का वीडियो, क्यों बैद से पूछा सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से कांग्रेस ने इस बार कद्दावर नेता कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। कवासी का नाम सामने आते ही बीजेपी हमलावर है। झीरम मामले को लेकर भाजपा लगातार कवासी पर तीखे हमले बोल रही है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने झीरम की घटना को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दो टुक लहजे में सवाल पूछा है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, झीरम के पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल पाया। नितिन नबीन यही नहीं रुके, उन्होंने झीरम के बाद कवासी लखमा का अस्पताल में सामने आया वीडियो भी याद किया। कांग्रेस नेताओं से पूछा कि झीरम के दोषियों पर कांग्रेस मेहरबान क्यों है। नितिन नबीन के बयान ने झीरम को लेकर सियासत तो गर्मा ही दी है, कवासी की टिकट को लेकर कांग्रेस को सवालों के घेरे में भी खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज नितिन नबीन के बयान पर पलटवार करते नजर आए। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार मामले की जांच के लिए एनआईए से सबूत मांग रही थी, तब सबूत नहीं दिए गए। अब जो नितिन नबीन कह रहे हैं क्या वो एनआईए की रिपोर्ट है या न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर वो कह रहे हैं, ये उन्हें बताना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, ये तो राहुल गांधी को बताना है, हमको नहीं बताना है। और महंत चरण दास ने उस वीडियो में क्या कहा था और क्या टिप्पणी की थी वो तो जनता के बीच में है ना, मैं क्यों उस पर बोलूं। लेकिन जनता तो पूछेगी कि जो कांग्रेस के नेताओं के हत्या का दोषी हो उस पर कांग्रेस क्यों मेहरबान है। झीरम घटना शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए ने जांच के दौरान जो हमारी सरकार ने जांच कर रही थी लेकिन उनको पूरी सबूत नहीं दी, जबकि हमारी सरकार कई बार उनको मांगती रही और बहुत से ऐसे सबूत मिटा दिए गए। क्या ये एनआईए का रिपोर्ट है या फिर न्यायिक जांच की रिपोर्ट है, पहले नितिन नवीन जी को इस पर स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में झीरम का मुद्दा सियासी तो है ही, भावनात्मक भी है। यही वजह है कि झीरम हमले को लेकर हर बार चुनाव के पहले वार पलटवार भी देखने मिलता है। लेकिन सियासी घमासान से इतर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये बताने की स्थिति में नजर नहीं आता कि झीरम के पीड़ितों को आखिर न्याय कब मिलेगा। कुल मिलाकर झीरम के पीड़ितों का न्याय अब सियासी मुद्दा बनकर रह गया है। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।